नमस्कार दोस्तों, मैं उसे आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि HDFC का मोबाइल बैंकिंग पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, किस तरह से जो रजिस्टर किया जाता है, इसी चीज़ को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने इंटरनेट बैंकिंग के यूज़र आईडी और पासवर्ड से किस तरह से लॉग इन किया जाता है HDFC के मोबाइल बैंकिंग में, तो उस पर मैंने ही एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए, किस तरह से जो है मोबाइल बैंकिंग में रजिस्टर किया जाता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि HDFC मोबाइल बैंकिंग है। तो चलिए हम प्ले स्टोर में चलते हैं। तो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको सर्च करना है HDFC मोबाइल बैंकिंग, जो कि मोबाइल बैंकिंग और जो इंटरनेट बैंकिंग है दोनों सेम ही है। इसमें एक तरह से एक ही एप्लीकेशन से दोनों यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से इसे जो है इंस्टॉल करके रखा हुआ, इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं 4.3 की रेटिंग है, 10 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है प्लस। और यहाँ पर इसे मैं डायरेक्टली जो है इसे ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसके लिए आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए और आपका जो है कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी आपको मिल जाएगा आपके चेकबुक में, आपके पासबुक में, और आपको जो है अकाउंट ओपन करते समय एक किट मिला होगा जिसमें आपको आपका कस्टमर आईडी मिल जाएगा। तो जैसे ही हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए परमिशन मांगेगा, तो इसे हम अलाउ कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिला हुआ है नीचे में, सेटअप क्विक एक्सेस पिन। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके हमको जो है रजिस्टर करना है मोबाइल बैंकिंग के लिए। अगर आपके पास पहले से अगर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड है तो आप ऊपर इस बॉक्स में फिल करके जो है डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं सेटअप क्विक एक्सेस पिन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सिम है इसी फ़ोन में लगा हुआ होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए कस्टमर आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है हम इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना कस्टमर आईडी और मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोनों यहाँ फिल कर लिया मैंने। अब मैं जो है कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको 4 स्टेप्स जो है फॉलो करने होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना डिटेल फिल कर दिया, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है जो हमने अभी डाला उस पर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए मेरे OTP मेरे दूसरे फ़ोन में आ चुका है, तो यहाँ पर मैं OTP फिल कर देता हूँ। अगर सिम आपका इसी में रहता है तो ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा मैनुअली का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया पहले ही, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप जो इंटर कर पाएंगे। अब मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर जो अपने डेबिट कार्ड का जो डिटेल है यहाँ पर देखिए देख सकते हैं आप, जो कार्ड नंबर है आपका 2336, इसका जो है पिन और यहाँ पर एक्सपायरी डेट आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना जल्दी से जो डिटेल फिल कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैंने अपना पिन इंटर कर लिया। आप देखिए एक्सपायरी डेट है, तो मंथ पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको अपने कार्ड में देख लेना मंथ क्या है। तो यहाँ पर मैं 9 यहाँ कर देता हूँ, और इसमें जो है ईयर पूछ रहा, तो ईयर भी मेरा जो है 24 है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ मैंने सारी डिटेल फिल कर लिया। मैं कंटिन्यू के ऊपर में जो है क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है अनदर डिवाइसेस। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, क्योंकि मैं जो है दूसरे फ़ोन में चला रहा हूँ इसलिए जो है इसमें बता रहा है कि ऑलरेडी जो है लॉगिन है। ठीक है, आपके में ऐसा नहीं बताएगा। तो यहाँ देखिए चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, तो यहाँ देखिए आपको पिन यहाँ पर आपको जनरेट करना है। तो यहाँ पर चलिए मैं जो है पिन यहाँ जनरेट कर लेता हूँ। तो न्यू पिन बोलेगा आपको 4 डिजिट का, वो आपको यहाँ पर जो है इंटर करना होगा। तो चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड क्विक एक्सेस पिन जो दिया हुआ है ये आपके में नहीं शो होगा शुरू में, आपके में सिर्फ न्यू 4 डिजिट पिन और कंफर्म 4 डिजिट पिन का ही ऑप्शन शो होगा। यहाँ क्या मैंने पहले रजिस्टर किया था इसलिए यहाँ पर ओल्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने जो यहाँ पर सारे फिल कर लिया। आपको यहाँ पर जो है अपना न्यू 4 अंक का यहाँ पर आपको इंटर करना है, उसके बाद उसी कोड को जो यहाँ पर कन्फर्म कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखिए मेरा जो रजिस्टर है वो सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पर आसानी से। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर देख सकते हैं आप जैसे ही यहाँ पर मैंने जो अभी पिन डाला उस पिन को मैं यहाँ पर इंटर करूँगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं अपना पिन डालूँगा ये डायरेक्टली जो है लॉगिन हो जाएगा।
तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर मैं इसे अलाउ कर देता हूँ, मेरा जो फ़ोन का ये परमिशन मांग रहा है, और ये देखिए इसे भी हम अलाउ कर देते हैं। ये मेरा जो मोबाइल बैंकिंग है यहाँ पर ओपन हो गया। इसी तरह से आसानी से आप जो है अपने मोबाइल बैंकिंग को पर रजिस्टर कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, जानकारी चली तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।